अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम व्यू साइड कर लेते हैं एक बार, या फिर हम प्लगइन्स के अंदर आएंगे। प्लगइन्स में आने के बाद हमें सारे प्लगइन्स जो है इंस्टॉल्ड प्लगइन्स डिलीट कर देने हैं, बल्क एक्शन डिलीट और उसके बाद यहाँ से अप्लाई। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर से रिफ्रेश करता हूँ तो ये साफ हो गया। अब ऐसे ही मैं पेजेस के अंदर आता हूँ, पेजेस के अंदर भी बल्क एक्शन करना है हमें, यहाँ से सारे के सारे सिलेक्ट करने हैं, यहाँ से आके मूव टू ट्रैश करना है और उसके बाद अप्लाई कर देना है। ऐसे ही मैं पोस्ट में आता हूँ, पोस्ट के अंदर से मैं इसको भी ट्रैश कर देता हूँ। अब वो ट्रैश में चले गया, चाहूँ तो डिलीट कर सकता हूँ वरना कोई बात नहीं। अब विजिट साइट करते हैं तो यहाँ पे मेरे को कुछ भी फालतू की चीजें नहीं दिखती हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हम आते हैं उस फोल्डर के अंदर, एच डी टॉक्स के अंदर। उसके बाद यहाँ पे डब्ल्यूपी कंटेंट में थीम का फोल्डर होता है। अब जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ सारी वर्डप्रेस की थीम इंस्टॉल हुई हुई होती है, आप यहाँ पे न्यू थीम बना सकते हैं। तो मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया लर्न एचटीएमएल, या फिर मैं प्रैक्टिस नाम है ना, मतलब थीम का नाम जो है प्रैक्टिस होगा, तो मैं प्रैक्टिस लिख देता हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिको, हाँ प्रैक्टिकल प्रैक्टिस हो, तो दोनों के नाम को मिक्स करके मैंने एक नाम बना दिया। और उसके बाद यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे बता रहा है ब्रोकन थीम, और उसके बाद स्टाइल शीट इज मिसिंग बोल रहा है। तो यहाँ पे स्टाइल शीट जो है मेरे को ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर से आप ये स्टाइल भी उठा सकते हैं, नहीं तो ये फोल्डर में आएंगे आप। फोल्डर में आने के बाद आपको क्या करना है, आप सिंपल तरीके से इसको सीएमडी प्रेस कीजिए इसकी यूआरएल में, उसके बाद कोड फिर स्पेस डॉट। अब जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो क्या होता है, ये मेरे को विजुअल स्टूडियो कोड में इस फोल्डर को ओपन करके दे देगा। अब जैसे ही इस फोल्डर के हम अंदर आते हैं तो एक्चुअली में करना क्या है मेरे को, अब आप यहाँ पे कंफ्यूज बहुत ज्यादा होंगे क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे एक स्टाइल डॉट सी एस एस के नाम से फाइल बनाऊँ या पहले इंडेक्स, तो मैंने सोचा कि मैं इंडेक्स डॉट पी एच पी के नाम से फाइल बना देता हूँ, जो थीम के अंदर होती ही होती है। अब साथ में एक इंडेक्स डॉट पी एच पी भी होती है, इंडेक्स वो स्टाइल डॉट सी एस एस। तो स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर हम थीम का नाम रखते हैं जो भी होता है, उसके बाद उसके जो यू आर एल होते हैं हम वो वहीं पर सेट करते हैं। तो सारी चीजें जब हम यहाँ पे सेट कर देंगे तो वो जो है हमारे थीम वाले सेक्शन में डैशबोर्ड में शो होने लगेगा। मैं आपको सब लाइव दिखाता हूँ कैसे। पहले मैं यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस के नाम से फाइल बना देता हूँ। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है मैं बताता हूँ, आप इसमें पीछे जाएंगे और कोई भी थीम पड़ी होगी ना उसके अंदर से आप ये स्टाइल डॉट सी एस एस को पिक कर लेना। अब इसके बाद इसको मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ तो यहाँ पे ना कमेंट्स में मेरे को कुछ चीजें मिल जाती हैं जो बेसिक होती हैं। अब बेसिक जो है किसी भी स्टाइल के अंदर आप इसको डाल सकते हैं, इसको आप और भी ज्यादा मॉडिफाई कर लेना। मैं बहुत कम मॉडिफाई करूंगा, मॉडिफाई जितनी जरूरत होगी उतनी मॉडिफाई करूंगा। अब यहाँ पे जैसे थीम का नाम लिख देता हूँ, थीम का नाम हो गया प्रैक्टिस हो, ऐसे करके कुछ प्रैक्टिको जो भी होगा। अब ऐसे ही करके हम क्या करेंगे, इसको थीम का यू आर एल जो है वो डाल देंगे। तो थीम का यू आर एल तो कुछ है ही नहीं, तो यू आर एल डिलीट मार देते हैं। उसके बाद ऑथर का यू आर एल जो है, मैं ज्ञान निधि चैनल पे बन रही है तो ज्ञान निधि डाल देता हूँ। अब इसके बाद ऑथर यू आर आई, अब इसमें मैं यूट्यूब का लिंक डाल दूँ या क्या करूँ। अब ये ऑथर जो है, ये ज्ञान निधि जो है वो थीम का ऑथर हुआ, ठीक है, मतलब कि ये जो थीम बनाई है जिसने। अब जो टेम्पलेट है वो तो हम डब्ल्यू थ्री लेआउट का यूज कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे टेम्पलेट का यू आर एल भी डाल देते हैं जिसका नाम होगा डब्ल्यू थ्री लेआउट। तो यहाँ पे मैं आया और उसके बाद मैंने टेम्पलेट ऑथर में डाल दिया डब्ल्यू थ्री लेआउट, और इसके बाद यहाँ पे जो है वो चले जाएगा अपने आप, और चाहे तो हम उसका यू आर एल भी डाल सकते हैं, कोई बात नहीं। ये जो है सैनिटाइजर के नाम से कोई थीम है और इसके अंदर जो है हमारा पूरा का पूरा थीम है जिसमें हम यूज करने वाले हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे पेज हैं, हम सब पेजों को इम्प्लीमेंट करेंगे, और कैसे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे ये आपको सारे स्टेप्स पता होने चाहिए। कोई भी अगर आप स्टेप मिस कर देते हैं तो आपकी थीम जो है ब्रेक हो जाएगी, मतलब टूटेगी, क्योंकि कुछ स्टेप मिस होते हैं। तो अब देखिए स्टाइल शीट हमने जैसे ही ऐड किया है ना तो यहाँ पे ये आ गया। अब उसके बाद इसमें एक स्क्रीनशॉट होता है, तो मेरे को स्क्रीनशॉट के लिए फोटोशॉप चाहिए, तो फोटोशॉप अगर मैं ओपन करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो ऑनलाइन फोटोशॉप है ये फोटोपिया के नाम से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर से ये जो फोल्डर होता है ना इसमें एक स्क्रीनशॉट होता है, इसको आप डायरेक्टली यहाँ पे ड्रैग कर दीजिए तो डायमेंशन जो होता है वो आपको प्रॉपर मिल जाएगा। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस थीम का एक स्क्रीनशॉट लूंगा, तो विंडो शिफ्ट एंड उसके बाद एस प्रेस कर रहा हूं मैं, जिससे क्या होगा कि विंडो अगर आपकी 10 है तो ऑटोमेटिकली स्क्रीनशॉट वाला बार ओपन हो जाएगा। कैसे, विंडो शिफ्ट एस, उसके बाद यहाँ पर से ये जो है ऑटोमेटिकली विंडो को क्लिप करेगा जितने की स्क्रीनशॉट की आपको जरूरत है
उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर दीजिए। यहाँ से इसको अलाउ कर दिया मैंने और ये जो है मेरे यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद कंट्रोल टी करते हैं, फोटोशॉप नहीं है सॉरी, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स हैं तो इसको मैंने ट्रांसफॉर्म कंट्रोल किया और इसके बाद यहाँ से इसको एडजस्ट कर लिया उस डायमेंशन के अंदर ही। जिससे क्या होगा कि वो जो हमारी जो जहाँ पे थीम पड़ा होता है तो वहां पे एक प्रीव्यू दिख जाएगा कि हाँ हमारी थीम का जो स्क्रीनशॉट है वो कुछ ऐसा है। इसके बाद हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देंगे इसको, इसके बाद हमें कोई जरूरत नहीं है तो हम यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं एज ए जेपीजी कर देते हैं। और इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर से इसको जेपीजी करेंगे तो ये कुछ क्वालिटी पूछ रहा है, तो क्वालिटी जो है वो मैं क्या पुट करूँ, तो मैं ऐसे पुट कर देता हूँ क्योंकि मेरे को ज्यादा हाई रेजोल्यूशन चाहिए नहीं। और जो अभी हमने एक फोल्डर अपनी थीम बना रहे हैं ना जहाँ पे ये है, तो यहाँ पे उस स्क्रीनशॉट को सेव करना है, तो इस यूआरएल को कॉपी किया मैंने, यहाँ पे आया और screenshot.jpg के नाम से आ गया। अब यहाँ रिफ्रेश करूंगा तो वो जो थीम का स्क्रीनशॉट है वो आ जाएगा। अब मैं एक्टिवेट भी कर देता हूँ, एक्टिवेट जैसे ही मैं करता हूँ तो क्या होगा, अब यहाँ पे ये सब है ना, रिफ्रेश करने के बाद सब कुछ गायब। अब आपको मिल गया एकदम ब्लैंक कैनवास, जैसे कि एक ब्लैंक बोर्ड मिल गया हो। अब आप उसके ऊपर कुछ भी चीजें टाइप कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑथर URI लिखा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे gyannithi.blogspot.com है तो ये डाल देता हूँ मैं, ओके। और इसके बाद जो टेम्पलेट का का जो ऑथर है उसका भी URL में डाल देता हूँ क्योंकि वहां से मैं इसको उठा रहा हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा टेम्पलेट URI लिख देता हूँ यहाँ पे, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं, लिख देता हूँ URL। और इसके बाद जो W3 लेआउट के नाम से था ना, और इसके बाद इसको मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ W3, उसके बाद जो हमने थीम यूज किया उसी का URL डाल देता हूँ, बात करता हूँ ये इस तरीके से। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पर से मैंने इसको कॉमन कर दिया है, कोई बात नहीं। अब इसके बाद हम यहाँ आते हैं, बाकी जो भी चीज की जरूरत नहीं हो सब डिलीट मार दो, ये इसकी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, ये सब डिलीट कर देते हैं। आप इसको जितना कस्टमाइज करना चाहते हैं उतना ही कस्टमाइज कीजिए, ज्यादा आप चाहते हैं तो आप पूरा इसको कस्टमाइज कर लीजिएगा अपने हिसाब से। अब ये जो है वर्जन, ये जो भी चीजें इसको मैं छोड़ देता हूँ, और ठीक है डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं डाल रहा, बाद में आपको अगर डालना हो तो आप डाल लीजिएगा। और लाइसेंस जो है वो यही है जो भी पड़ा हुआ है इसमें। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको स्टार्ट करेंगे बनाना, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पर से हमारा इंडेक्स है, और इंडेक्स को मेरे को यहाँ पे ये पूरा प्रीव्यू यहाँ पे दिखाना है, तो थीम एडिटर के अंदर भी वो सारे ऑप्शंस आते हैं, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से मैं नहीं करूँगा, मैं करूँगा अपने डायरेक्टली एडिटर से। तो अभी ये ब्लैंक है और ये हमारा पूरा का पूरा मतलब वो है, उसको क्या कहते हैं, मतलब कि थीम है। अब यहाँ से मैं style.css इसको मैं क्लोज कर सकता हूँ, बाकी मेरे को जरूरत नहीं है इनको ओपन रखने की अभी। और ये स्क्रीनशॉट है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये index.php है, तो यहाँ पे एक header.php भी हम बनाएंगे और एक footer.php भी बनाएंगे। तो header, footer और index, ये तीन चीजों में अभी हम इस टेम्पलेट को ब्रेक करेंगे, मतलब तोड़ेंगे, और उसके बाद उन सबको डायनेमिकली जोड़ देंगे, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा सुनने में कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, कोई बात नहीं। तो अभी हम सबसे पहले हेडर में आते हैं, तो हेडर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप किसी भी थीम का ना एक बार हेडर ओपन कर लीजिएगा तो आपको कोड जो है कॉपी पेस्ट करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि बार बार आप कॉपी पेस्ट अगर करने बैठे तो बहुत ज्यादा, मतलब लिखने बैठे तो बहुत टाइम लगेगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ बेसिक चीजें हैं, ये ऊपर का आप पूरा कॉपी कर लीजिए और चिपका दीजिए यहाँ पे सबसे पहले, ओके। तो द हेडर है, उसके बाद ये सब कुछ एडिट कर लीजिएगा, मैं एडिट नहीं कर रहा, मैं डिलीट कर दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को भी इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा एडिट करने वाने में और टाइम भी वेस्ट होगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर से अपना जो ये है, यहाँ पे आप देख रहे हैं HTML का लैंग्वेज वगैरह जो भी चीजें हैं, ये सारी चीजें हमें कॉपी कर करके वहां डालनी होगी, ये WP हेड है या फिर जो भी चीजें हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, हेडर में आते हैं सिंपल, और इसके बाद हम इसको अभी क्लोज कर लेते हैं, ये भी क्लोज कर देते हैं, और इसके बाद हमें इसको भी थोड़ा कोलैप्स कर लेते हैं, थोड़ा हमें साफ सुथरा दिखाई देने लग जाए। और इसके बाद जो हमारा थीम था इसको हम इंडेक्स को ओपन कर लेते हैं साइड में। अब यहाँ पर से हमें कहाँ से तोड़ना स्टार्ट करना है, ये हेडर जहाँ पे
टैग खत्म हो रहा है ना, वहां से पूरा हम कट कर देंगे और उसके बाद हेडर के अंदर यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। ओके, इसके बाद जो है मेन स्लाइडर चालू होगा, तो इसीलिए मैंने कमेंट उठा लिया, बाकी आपकी इच्छा है। ये जो है सेक्शन है, ये सेक्शन है, ये सेक्शन है, ये सेक्शन है, ये भी सेक्शन है, और सारा कुछ सेक्शन में ही बना हुआ है। तो मैं यहाँ पे एक बैकअप पहले ले लेता हूँ इस कोड का, क्योंकि अगर मेरे पास बैकअप नहीं हुआ तो मैं बार बार उस चीज को एडिट करने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए मैंने एक बैकअप बना दिया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी चीजें करता हूँ, ये कंट्रोल जेड किया था मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं फुटर में, जहां से फुटर चालू हो रहा है ये स्क्रिप्ट्स लगी हुई हैं। मैं सारी ऐसी WPNQ भी एक फंक्शन होता है जिससे हम सारी स्क्रिप्ट्स को एक साथ ऐड कर सकते हैं या फिर हम डायरेक्टली भी फुटर में डाल सकते हैं। मैं डायरेक्टली फुटर में डाल देता हूँ, कोई बात नहीं है। और इसके बाद ये जो आ रहा है ये पूरा बीच का कॉन्टेंट है, तो ये पूरा बीच का कॉन्टेंट हम अपने index.php के अंदर डाल लेंगे। अब ये index.html खाली हो गया, अब इसको हमने बंद कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो पूरा का पूरा आपको क्या मिलेगा, पूरा एकदम अजीब तरीके से टूटा हुआ डिजाइन मिलेगा, लेकिन हाँ बहुत सारी चीजें आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें सारी की सारी जो CSS है वो लिंक करनी है। तो हम पहले एसेट्स के फोल्डर को अपनी थीम में डाल देंगे, तो जी जो हमारे थीम का फोल्डर है हमने उसमें एसेट्स डाला और उसके बाद स्टार्टर लाइसेंस जो है वो भी डाल दिया। अब ये जितनी भी जावास्क्रिप्ट है, जितनी भी CSS है, हम सबको लिंक करेंगे। एक तो तरीका होता है कि फंक्शन से हम WPNQ कर दें, और एक दूसरा तरीका ये होता है कि हम डायरेक्टली पाथ यहीं पे दे दें उसको, एकदम एग्जैक्ट पाथ। तो हम यहाँ पे एग्जैक्ट पाथ कैसे दे सकते हैं ये मैं बता देता हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम आते हैं, आप चाहें तो किसी भी एक थीम को, मतलब इनके हेडर को आप ओपन कर लो और इसको यहाँ पर से HTML को आप कॉपी की मतलब कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करने के बाद अपने हेडर में आइए। सबसे पहले हम हेडर में आते हैं और इसके बाद अपने HTML में यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। क्यों, क्योंकि अभी हमें इसको डायनेमिक करना स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे इसके बाद आता है हमारा ये WPBodyOpen से ऊपर कुछ चीजें और है, ये मेटा चार्जसेट है, तो इसको भी हम यहाँ से, क्योंकि ये वर्डप्रेस अपना डायनेमिक देगा ये सारी चीजें, तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये इनका कुछ अलग अलग लिख रखा है इन्होंने, तो कोई बात नहीं, हम इसी को पिक करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। अब जो टाइटल है वो तो है यहाँ पे आया ही नहीं है, तो वो वर्डप्रेस ऐड करता है, तो हम कोई बात नहीं यहाँ से इस चीज को WP हेड को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, और यहाँ से टाइटल आप चाहें तो डिलीट कर दीजिए या फिर मत कीजिए, आपकी इच्छा है, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डिलीट कर दें। उसके बाद बॉडी पे ये जो टैग है इसको आप ऐड कर दीजिएगा, ये बॉडी पे अपनी क्लासेस ऐड कराने के लिए करता है, और वो WP हेड अपनी स्क्रिप्ट्स ऐड कराने के लिए। अब जब आपकी बॉडी ओपन होती है तो हम उसको कॉपी करते हैं, और अभी यहाँ पे देखते हैं कुछ नहीं आ रहा। अब हम जैसे ही उस चीज को यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे सेक्शंस आ रहे हैं, मतलब अभी वो भी नहीं आया है, मतलब बॉडी लिंक भी नहीं हुई है, मतलब हेडर अभी लिंक नहीं हुआ। कोई बात नहीं, अब हम यहाँ पर से इसको पेस्ट करते हैं बॉडी ओपन होने के बाद को, और अभी हमें इसके अंदर की कुछ चीजों की जरूरत है नहीं, लोगों की हमें जरूरत पड़ेगी। मैं लोगों का क्या करूं, अभी ले लेते हैं या फिर ना लें, तो दोनों चॉइस है कि अगर हम चाहें तो यहाँ से लोगों को पिक कर सकते हैं जिनका लोगो है या फिर नहीं। तो अभी मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि क्या क्या चीजें जो है मेरी जरूरत की है। यहाँ पे टेम्पलेट पार्ट जो है हेडर के, इन्होंने एक सेपरेट फाइल में रख रखे है, तो इन्होंने गेट टेम्पलेट पार्ट यूज किया है, मैं इन सबको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बट उससे पहले अभी हम इनके index.php को जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा गेट हेडर, तो इस पूरे को आप कॉपी कीजिएगा और अपने जो index.php है ना उसमें सबसे ऊपर जाके ऐड कर दीजिएगा, सबसे ऊपर इस तरह से। अब क्या होगा कि ये पहले गेट हेडर करेगा, ऐसे ही यहाँ पे हम जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ऊपर ये इनका जो ब्लैक वर्डप्रेस का आता है वो आ गया, पर कोई स्क्रिप्ट अभी नहीं आई है, तो मैं बता दूंगा कि कैसे होगा।
अब मैं यहाँ पे फुटर में आता हूँ, तो इन्होंने गेट फुटर किया है, तो इसको भी हम कॉपी करते हैं और सबसे नीचे फुटर के अंदर आते हैं और इसके बाद इसको हम ऐड कर देते हैं। अब जैसे ही हम यहाँ पे ऐड करते हैं, अभी यहाँ पे कंपनी लोगो आ रहा है, इसको सेव किया मैंने, यहाँ पे रिफ्रेश किया। अब देखिए उसके साथ कंपनी लोगो के नीचे जो इतनी भी फुटर की चीजें थी वो सारी यहाँ पे आ गई। अभी स्टाइलिंग क्यों नहीं आ रही है वो आपका अपने आप फिक्स हो जाएगा, अभी मैं बता दूंगा कैसे होगा, लेकिन अभी जितना है वो आप यहाँ पे देखिए। अब फुटर के अंदर यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, तो इसको हम शायद अभी बंद कर सकते हैं। और ये जो है यहाँ पे लूप चल रहा है जो ब्लॉग की पोस्ट शो कराता है, और बाकी तो यहाँ पे मेरे को कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिख रहा, तो मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर से कोई फाइल अगर हमें यहाँ से मिल जाए तो हम पिक कर सकते हैं, ये फुटर डॉट पी एच पी। हाँ, तो अब आप फुटर डॉट पी एच पी में ये जितनी भी चीजें हैं आप इस चीज को यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा, अपने फुटर में आइएगा और उसके बाद सबसे ऊपर आप इसको ऐड कर दीजिएगा। ओके, और ये जो पैकेज वगैरह है इनको कस्टमाइज कर लीजिएगा, मैं नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे डब्ल्यू पी फुटर है, तो अपने हम फुटर में भी बॉडी खत्म होने के पहले डब्ल्यू पी फुटर को ऐड कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे से भी एकदम साफ है, ये नेविगेशन है वो मैं बता दूंगा कि कैसे ऐड करना है, और बाकी कुछ अभी यहाँ पे नीडेड नहीं है, बाकी सब सही है। और यहाँ पे सारी फाइल्स आ रही हैं, ठीक है। ये जो है मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, या फिर कस्टमाइज आपको करना हो तो आप कर लीजिएगा, कोई बात नहीं है। अब इसके बाद यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, तो आप देखिएगा यहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हम जैसे ही कंट्रोल यू करते हैं, यहाँ से लाइन रैप कर दिया मैंने इसको, और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है डब्ल्यू पी हेड के कारण ऐड हुई है, ये जो आप चीजें ऊपर देख रहे हैं ज्यादा ज्यादा को। अब हम सबसे बॉटम में आते हैं, तो डब्ल्यू पी जो है ये बूटस्ट्रैप की कुछ चीजें ये तो ऐड नहीं कर रहा, लेकिन हाँ बाकी जो भी चीजें हैं वो सारी जावास्क्रिप्ट ये खुद ऐड कर रहा है। बाकी ये जावास्क्रिप्ट को हम ऐड कराएंगे, कैसे ऐड कराएंगे वो अभी मैं बता दे रहा हूँ। तो लगभग हमने अपना HTML तो यहाँ पे डाल दिया जो बेसिक होता है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे स्टाइल इमेजेस को सारी चीजें ऐड करनी है, तो हम इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, इन सबको बंद कर लेते हैं। अब यहाँ पे ऐसी स्टाइलिंग हमें यहाँ शो करा देनी है, तो इसके लिए अभी हम विजिट साइट करते हैं यहाँ पे, तो ये खाली है, यहाँ पे क्यों आया मैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे आते हैं अब हम। अब यहाँ पे आपको एक टैग ओपन करना है जो PHP का होता है, तो इसके लिए आप ऐसे करके हेडर में आ रहा हूँ मैं, सबसे पहले देखिएगा, और टेम्पलेट CSS जहाँ पे जो भी CSS होती है वहां पे मैं यहाँ पर से इस तरीके से ऐड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं PHP लिखता हूँ, PHP के बाद ब्लॉग इन्फो, उसके बाद ब्रैकेट ओपन, उसके बाद यहाँ पे कोट्स, और उसके अंदर टेम्पलेट URL, इनको कोट के अंदर डाल दीजिएगा ऐसे। अब मैं जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ तो सारी CSS ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिंक हो गई, अब कुछ भी यहाँ पे मिस नहीं हो रहा। लेकिन हाँ अभी आप देखेंगे तो ऊपर जितने भी आइकॉन्स होते हैं वो सारे गायब है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये जो फॉन्ट ऑसम है सेम चीज को हम यहाँ से पिक कर लेंगे स्लैश के साथ और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब जो आइकॉन्स हैं वो भी सारे के सारे हमारे फिक्स हो जाएंगे। ऐसे ही ये वाला ही कोड आपको इमेजेस पे भी लगाना है और हर एक चीज पे लगाना है, ये आपका काम नहीं कर रहा है क्योंकि अभी हमारी जावास्क्रिप्ट जो है वो लिंक नहीं हुई। तो जावास्क्रिप्ट के लिए हम सबसे बॉटम में आते हैं जहाँ पे हमारी जावास्क्रिप्ट है, हम उसको ऐड करते हैं, तो यहाँ पे आए हम और यहाँ पे ये ऐड कर दिया। अब ये जो है ये वर्क करना, अच्छा ये अभी वर्क नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि और ये भी काम नहीं करना, हाँ मतलब हम ये हमारे जो जावास्क्रिप्ट है वो प्रॉपरली लिंक नहीं हुई है, प्रॉपरली इन द मतलब कि सारी की सारी जावास्क्रिप्ट अभी लिंक नहीं हुई है, और ये सारा का सारा हमें कंसोल में एरर दे रहा है कि ये नॉट फाउंड। ओके, तो इसको हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले ये जितनी भी जावास्क्रिप्ट आ रहे हैं ना इन सब पे हमें ये लगा देना है। अब देखिए यहाँ पे कंसोल एरर्स जो हैं कम होते चले जाएंगे धीरे धीरे, बहुत सारे हैं तो ये धीरे धीरे कम हो जाएंगे जैसे जैसे हम इसको काम करते रहेंगे। ये देखिए यहाँ पे सारी की सारी एरर्स जो हैं हमें शो करता है कि हाँ तुम कहाँ पे एरर्स
प्रोवाइड कर रहे हो, तो यहाँ हर जगह पे हम इसको ऐड कर देंगे। ऑल्ट के साथ मैं क्लिक कर रहा हूँ जहां जहां मेरे को ऐड करना है, और एक साथ कंट्रोल वी, बस। अब देखते हैं कहाँ पे ऐड करने में प्रॉब्लम है, अब कहीं नहीं है। तो यहाँ पे अब हमारा ये जो बटन है वो वर्क करने लग गया, और यहाँ पर से बॉटम में ये जो है ये भी वर्क करने लग गया, मतलब हमारा जो जावा स्क्रिप्ट है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। और बाकी जो कंसोल में एरर्स थी वो इमेजेस नॉट फाउंड की है, तो वो भी हम फिक्स कर लेंगे कि कैसे है। ये नेविगेशन बार फिर से एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, टॉप 30 पिक्सल डाल देते हैं, ये 0 है ना, तो इसको हम यहाँ से 30 पिक्सल कर देंगे, क्योंकि ये नॉर्मल पे वर्क नहीं कर रहा है। और ये सिर्फ एडमिन पे जब एक्टिव है तभी होना चाहिए, तो मैं बाकी इसको बाद में मॉडिफाई करूंगा। अभी मैं 30 पिक्सल इसको कर देता हूँ, 0 पे ऑपर चले गया, काम नहीं करेगा, थोड़ी सी अभी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर ही रहा है। तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, और यहाँ पे जो स्लाइडर्स आप देख रहे हैं ये सारे बैनर्स के अंदर है, ये सारे हमें उसमें प्रोवाइड करने हैं कस्टम पोस्ट टाइप में, तो वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा कि कैसे होगा। यहाँ पे ये इमेजेस यहाँ से तो शो पिक ले रहा है, लेकिन यहाँ पे ये इसलिए पिक नहीं ले रहा क्योंकि ये अभी मैं बंद कर दूं, अभी मैं बंद करता हूँ इसको, मैं फाइंड करूंगा कि कितना पिक्सल चाहिए, मेरे ख्याल से 30 पिक्सल में हो जाना चाहिए।